आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दो बड़ी खबर की होमगार्ड विभाग को मिले 25 करोड़, मृत्यु और अपंगता पर परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपए। दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर की होमगार्ड को मिले बिहार की तत्व सुविधा एसोसिएशन। दोस्तों, झारखंड में होमगार्ड जवानों को 1 अप्रैल 2019 से महज 500 रुपए कर्तव्य भत्ता भुगतान रोजाना होता है। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कोल्हान प्रमंडल के सचिव विनय कुमार सिंह ने कहा है कि इस मांग को लेकर होमगार्ड के जवान चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 8 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इससे वाले उपयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी जाएगी। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने रविवार को साक्षी आम बागान में बिहार की तर्ज पर वेतन सहित अन्य सुविधाओं की मांग में समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले जवानों का कहना है कि बिहार सरकार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि में योजना कर्मचारी निष्पक्ष सहबद्ध बीमा योजना का लाभ देने का सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन सरकार सुविधा के बजाय आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय चली गई, जहां मामला विचाराधीन है। बिहार में होमगार्ड जवानों को कर्तव्य भत्ते के रूप में 774 रुपये भुगतान होता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर कि यूपी बजट 2021-22 होमगार्ड को मृत्यु को मिलेंगे 25 करोड़ और अपंगता में मिलेंगे परिवार को 5 लाख रुपए। दोस्तों, होमगार्ड विभाग के अवैतनिक स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु तथा अपंगता होने पर मृतक आश्रित तथा उनके नामनी को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। बीते 6 दिसंबर होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने इसकी घोषणा की थी। बजट 2021-22 में इसके लिए घोषणा की थी। बजट 2021-22 में इसके लिए सरकार ने अनुग्रह राशि भी कर दी है। डीआईजी होमगार्ड मुख्यालय रणजीत सिंह ने बताया कि ये व्यवस्था बीते 6 दिसंबर से लागू है। हालांकि अब इसका बजट जारी हुआ था। इस अवधि में एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, किसी भी प्रकार की बीमारी अथवा किसी स्थिति में अगर होमगार्ड जवान अथवा अवैतनिक अधिकारी की मृत्यु, अपंगता हुई तो उसके आश्रित को ये राशि दी जाएगी। होमगार्ड की स्वीकृत संख्या 118,348 है। दोस्तों, वहीं वर्तमान में होमगार्ड जवानों की संख्या 90,000 है, जबकि नियमित ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों की संख्या 83,000 है। अधूरे पड़े 4 केंद्रीय मंडली संस्थान के निर्माण के लिए 15 करोड़। डीआईजी होमगार्ड मुख्यालय ने बताया कि प्रदेश में अधूरे पड़े 4 मंडली प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, झांसी और आगरा के लिए 15 करोड़ रुपये सरकार ने इस बजट सत्र में दिए। इन 15 करोड़ रुपये से प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य कराया जाएगा। दोस्तों, ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें बिना समय गवाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं ताकि ऐसी न्यूज़ आपको आगे भी देखने को मिले। आपने अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।